गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, कैसे हो आप? गुड इवनिंग मैम। आप कैसे हो? बढ़िया बढ़िया, मैं भी। गुड बच्चे, इवनिंग मैम। गुड इवनिंग, कैसे हो सर सब? कैसे हो? मैं गुड बढ़िया। इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मैम, बढ़िया है एकदम। आप कैसे हो? कैसी है ठंड? मैम अब ज्यादा नहीं है ठंड। अब ज्यादा नहीं, अब कम हो गई है। यस गुड मैम। इवनिंग ज्योति मैम। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। हम लोगों ने दुआ करी होगी ना कि भाई बहुत दे दिया, जाओ, है ना? यस मैम। गुड गुड इवनिंग मैम। इवनिंग। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग बच्चे, कैसे हो आप? मैम ठीक हूँ, आप कैसे हो? मैम भी बढ़िया है एकदम मस्त। कैसा रहा फिर संडे आप लोगों का कल? गुड गुड इवनिंग मैम। इवनिंग अनुराधा। संडे कैसा था सबका? बताओ बताओ। मैम अच्छा था। अच्छा था, बस अनुराधा का ही अच्छा था, बाकी मैम अच्छे था। अच्छा ही। बुरा मैम मेरा बहुत बुरा था। था? क्यों बुरा? क्यों? मैम मैं बीमार हो गई हूँ। ओ अच्छा, ख्याल रखो यार, मौसम बहुत खतरनाक चल रहा है। यस मैम। अब कैसे हो? मैम अभी भी है थोड़ा सा। अच्छा, रेस्ट ले लेते। नो मैम। मैम आज मैं स्कूल पे नहीं गई थी फिर। अच्छा, फिर कहीं तो पढ़ना था। चलो बढ़िया है, अच्छा यस मैम। किया। ओके, हेलो एवरीवन। मैम की आवाज, मैम की वीडियो सब आ रही है। हेलो मैम, यस मैम। गुड इवनिंग गुड मैम। इवनिंग नम्रता। गुड इवनिंग। ओके, हाय संध्या अगेन। हेलो, गुड इवनिंग प्रिंस अगेन। गुड इवनिंग पलक, खुशी, सोनम, राधा, निशा। गुड गुड इवनिंग सान्या। गुड इवनिंग ईशा, दीक्षा, चालू, सेविया। गुड इवनिंग रितिका। गुड इवनिंग पायल। गुड इवनिंग मैम, आप कैसे हो? मैम एकदम बढ़िया है। पायल, पायल ने सोचा एक के बारे में सारे सवाल पूछ लेती हूँ, है ना? नहीं, क्यों पायल? पायल बच्चे, पायल पायल दो बार क्यों है? क्या तुम्हारा नाम पायल पायल है? अच्छा, ओके ओके। हाय साक्षी, गुड इवनिंग। हेलो पूनम, गुड इवनिंग। नो मैम, बस पायल है। ओके, हेलो मदनलाल। यार मदनलाल बच्चे, तुम्हारा तो मुझे नाम नहीं याद रहता है कभी। हेलो ज्योतिका, गुड इवनिंग। हेलो सिमरन, गुड इवनिंग। हेलो, गुड इवनिंग। ओके, गुड इवनिंग कशिश। किसने कहा कि मेरा बर्थडे है? सिमरन का बर्थडे है। हैप्पी बर्थडे सिमरन, गॉड ब्लेस यू, लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ हैप्पीनेस। थैंक जल्दी से जल्दी तुम डॉक्टर बनो और तुम मेरा इलाज करना। इनका चैन सबका चाहे ना करना, मेरा जरूर करना। यू मैम। ओके गुरमयल, गुड इवनिंग। हैप्पी बर्थडे सिमरन, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। कर दो विश। चलो चलो जल्दी देखे तो कौन कौन उसको क्या गिफ्ट है ऑनलाइन। तुम जरा उसे विश करो, मैम एक मिनट में आए बस। ठीक है, थैंक यू सो मच।
बच्चों एक मिनट देना बस, ठीक है? एक मिनट में आ रहे हैं हम। गुड इवनिंग मैम। गुड ओके बच्चों, आवाज आ रही है अभी सबको ना? यस मैम। योर नेम? यो मैम। ओके ओके, तो टेस्ट किस किसने दिया था कल? तीस, 31 बस, और बाकी? बाकियों ने नहीं दिया? अच्छा, अनुराधा भी है, 33, 34, 35, 36, दैट्स वेरी नाइस यार। 41 में से 36 बच्चों ने एग्जाम दिया है, दैट्स नाइस। 38, ओके। रुक जाओ, गुड इवनिंग। हाथ नीचे मत करना, एक मिनट है ना, एक मिनट रुक जाओ। क्या हुआ, क्या बोला? कोई कुछ कह रहा था, ये क्या हुआ? हेलो, आवाज आ रही है बच्चों? यस मैम। एक सेकेंड, स्क्रीन दिख रहा है आप लोगों को? यार ऐसे क्यों दिख रहा है? मैम। यस मैम। मैम। ओके, हमारी हानि हो सकती है, होती है, पहले तो प्यार है। सिमरन म्यूट करो बच्चे। एक मिनट रुक जाओ, स्टूडेंट्स, क्या बात है! तुम लोग इतनी स्लो स्लो क्यों आते हो?
10 मिनट लेट हो। ओके चलो फाइन। सो लेट्स नाउ स्टार्ट विद द क्लास। तो तुम्हें याद है कि तुमने लास्ट क्लास में क्या किया था? नहीं, किसी को भी याद नहीं है? स्क्रीनशॉट मैम मुझे सबके नहीं आए यार, स्क्रीनशॉट मुझे सबके नहीं आए। क्यों? मैम जो फिजिक्स का टेस्ट था मैम, हम्म, मैंने स्क्रीनशॉट लिया है। मैंने सोचा मैम बायो का टेस्ट होगा। यस मैम, हमने मैम सब्जेक्ट वाइज मैम टीचर को इसलिए दिए नहीं थे। किया दे मैंने मैम सेंड दिया? आपको स्क्रीनशॉट हाँ, आपने अपने अपने दिया है। सब्जेक्ट टीचर्स को दे दिया था? यस मैम। अच्छा, उन्होंने क्या बोला फिर? मैम देखा फिर मैम बोला तो कुछ नहीं, वैसे शायद क्लास में बोलेंगे मैम। ठीक है, चलो भेजा तो अच्छी बात है, वेरी गुड, नाइस। क्योंकि मुझे काफियों का मैसेज आया था, तो मुझे ये था कि मैंने आपको पहले ही बोला था टीचर्स को भी कर देना, मुझे तो करना ही करना। दूसरे जो आपके टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं उनको भी कर देना, कोई सीन नहीं। चलो, ज्योतिका प्रिंस अनुराधा ने भी दिया है, गुड नाइस। ऑल राइट, चलो कल की क्लास से किसी को कोई डाउट है फटाफट से बताओ। हम कल तो क्लास ही नहीं थी। आई मीन सैटरडे, यस मैम। डाउट है किसी को? नो मैम। मैम ठीक है, तो हमने क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन से स्टार्ट कर लिया था, है ना? नहीं, मैम रेस्पिरेशन मैम स्टार्ट किया था, रेस्पिरेशन के पैसेज और ऑर्गन्स देख लिए थे हमने, रिब केज देखा था, राइट? डॉर्सल वेंट्रलेटर आपका रिब केज हो गया। तो आज जो हम स्टार्ट कर रहे हैं बच्चे, वो आपका रहेगा रेस्पिरेटरी ट्री। रेस्पिरेटरी ट्री यानी क्या होता है? एक ट्री है ना, नॉर्मल ट्री देखिए, आपने आपके घर के बाहर होंगे इतने सारे ट्री, यो मैम होते हैं नहीं होते? यस मैम तो वो ट्री में आपने देखे ना, सिर्फ ब्रांचेस होते हैं, होते नहीं होते हैं, सिर्फ यस ब्रांचेस, मैम है मैम ना? होते हैं यो नहीं, मैम ब्रांचेस के अंदर और ब्रांचेस, है ना, होते नहीं होते। तो एग्जाम्पल के लिए मैम ने क्या किया है, एक मिनट इसको कर दो मैं शेयर, और मेरी वीडियो देखो ध्यान से। ये आपको क्या दिख रहा है? अंगूर ग्रेप्स, है ना? ग्रेप्स ग्रेप्स की जो अटैचमेंट है वो किससे हो रखी है? ग्रेप्स की अटैचमेंट किससे हो रखी है? ब्रांच यस ब्रांच के साथ यस, ठीक है। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे भी सेम, सॉरी मैंने स्टॉप शेयरिंग कर दूंगा, एक सेकेंड। अगर आप यहाँ पे भी देखोगे तो ये देखो, ये इसके पास ब्रांच है, ये ब्रांच दिख रही है आपको यहाँ पे, ये ब्रांच दिख रही है आपको एक यहाँ पे, यस मैम सेम देखो इसके पास भी ब्रांच है, एक प्रॉपर एक ब्रांच है। यहाँ से देखो, अगर ध्यान से देखोगे यहाँ पे इसके एक ब्रांच के थ्रू यहाँ पे ग्रेप जुड़ा हुआ है ना? कुछ ब्रांचेस में ग्रेप्स दिख रहे हैं आपको, ये दिख रहे नहीं दिख रहे? कुछ में है ना, कुछ में ग्रेप्स है और कुछ में ग्रेप्स नहीं है। तो और आप देख रहे हो कि ये जो छोटे छोटे से हमारे एल्वियोला है, ये है कौन, ये कौन है, ग्रीन कलर का कौन है, एल्वोलाई ठीक है? तो इसके पास ही चिपका किसके साथ हुआ है? एल्वियोला ट्रैक ट्राकियास के साथ चिपका हुआ है, ब्रोंकियोल्स कह देते हैं इसे, ठीक है? प्राइमरी एंड सेकेंडरी ब्रोंकियोल्स में हमारा ट्राकिया जो है फर्दर ब्रांच्ड है, समझ में आ गया? ठीक यस है, मैम तो यही पढ़ेंगे हम आज कि ट्राकिया जो है, हमने पढ़ लिया था कि जो ट्राकिया है वो जाके ओपन होता है दो लंग्स में, है ना? एक हमारा राइट लंग, एक हमारा लेफ्ट लंग, है ना? राइट लंग हमारा किसके ऊपर, उसे राइट लंग के नीचे कौन सा ऑर्गन है? लीवर शाबाश, बहुत लीवर बढ़िया। राइट लीवर लंग और लेफ्ट लंग के बीच में कौन आता है? हार्ट हार्ट यस, उसके वहां पे एक डोम शेप सा कुछ बन जाता है दोनों लंग्स के वहां पे, कौन है? डायफ्राम वेरी गुड, शाबाश, बहुत बढ़िया। डोम शेप कौन बना रहा है? डायफ्राम, ठीक है? तो वही चीज है बच्चे, ट्रैकिया देखो, ट्रैकिया ने अपनी ओपनिंग कर ली है, ओपनिंग करके उसने कर दी प्राइमरी ब्रोंकियो ब्रोंकाई, प्राइमरी ब्रोंकियाई से इसने आगे छोटे छोटे और क्या बना दिया ऐसे से, सेकेंडरी ब्रोंकाई, ठीक है? तो इस पिक्चर को जरा ध्यान से देखो, ट्रैकिया दिख रहा है सबको, मैम दिख रहा है नहीं दिख रहा? अगर यार मेरे को नहीं पता इस पे दिखाई दे रहा है, एक्चुअली ना जो हमारा ट्रैकिया होता है, ट्रैकिया हमारा सेमी सेमी सर्कल है, पूरा पीछे तक नहीं है, बताया था ना मैंने लास्ट क्लास में,
अगर आपके पास घर में ग्रेप्स पड़ा है ठीक है, या फिर आपके पास घर में टहनी पड़ी है, तो उसमें ध्यान से देखना, जब भी आप देखोगे ना यहाँ पे इनमें कुछ वेवी वेवी सर्कल सर्कल सा बना होगा, देखना कभी आराम से बैठ के थोड़ा गौर से देखोगे तो आपको दिख जाएगा। तो ये जैसे गोल गोल सा स्पाइरल चीजें दिखती हैं, वो किसके ऊपर दिखाई देगी आपको? ट्रैकिया के ऊपर। किसके ऊपर दिखाई देगी? ट्रैकिया। ठीक है, तो ट्रैकिया के खत्म होते, देखो जैसे यहाँ पे ये कार्निया दिया हुआ है, एक्स्ट्रा पल्मोनरी ब्रोंकस दिया हुआ है, ये नहीं पढ़ना हमें, मैम आपको बताएंगे कौन कौन सा पढ़ना है आपको। ये फर्दर जो हमारा रेस्पिरेटरी ट्री है ना, इसको हम बोल देते हैं ट्रैकियो ब्रैंकियल ट्री, क्योंकि इसके पास ये जो हमारे ट्रैकिया है, लंग है, ये बिल्कुल एकदम ट्रैक्स में है, ब्रोंकस यानी ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स, ब्रांचेस में डिवाइडेड है। ठीक है, तो ये दो हिस्सों में डिवाइडेड है बच्चे, एक होता है कंडक्टिंग पार्ट, एक होता है आपका रेस्पिरेटरी पार्ट। जो कंडक्टिंग पार्ट होता है उसमें गैसेस के एक्सचेंज नहीं होते, बस गैसेस इनटेक आउटटेक हो सकता है, लेकिन एक्सचेंज का काम नहीं होता। समझ में आया? नोज से आएगा, नोज से फैरिंग्स में जाएगा, याद है ना तुम्हें तीन फैरिंग्स या नहीं? हाँ मैम बता, हाँ जी क्या बोला? कुछ नहीं मैम। नोज से फैरिंग्स, फैरिंग से लैरिंग्स, लैरिंग से ट्राकिया, एंड आगे भी मैं बताती हूँ। तो ये जो पूरा पार्ट है वो आएगा आपका कंडक्टिंग पार्ट में। दूसरा पार्ट कौन सा है आपका? रेस्पिरेटरी पार्ट। कौन सा पार्ट? रेस्पिरेटरी पार्ट। कंडक्टिंग पार्ट में गैसेस के एक्सचेंजेस नहीं होते, रेस्पिरेटरी में आपके आपके गैसेस के एक्सचेंजेस होते हैं। ठीक है, वो अब चलो करते हैं शुरू। देखो कैसे, जो हमारा ब्रोंकिया और ब्रोंकियोल्स है, जो ब्रोंका है वो बेटा थोड़ा कम पतला होता है, ब्रोंकियोल ज्यादा पतले दिखते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको बताया ये कंडक्टिंग पार्ट है, एक है रेस्पिरेटरी पार्ट। तो आप यहाँ पे देखो अगर ध्यान से, तो मैम ने यहाँ पे बनाया नोज, नोज से जाएगा फैरिंग्स, है ना, ये रहा आपके फेस, और यहाँ नोज से स्टार्ट हो जाता है फिर बक्कल कैविटी, फिर आपका फैरिंग्स तक। याद आया कुछ या नहीं? लास्ट क्लास में क्या था? डायग्राम बनाया तो उसमें देख लो, नोज, नोज से फैरिंग्स जो पूरे आपके नोज और बक्कल एंड लैरिंग्स तक पहुंचता है, सॉरी फिर फैरिंग्स से लैरिंग्स, लैरिंग्स से ट्राकिया, ट्राकिया से सबसे पहले ये जाएगा आपके प्राइमरी ब्रोंकाई में। कहाँ जाएगा? प्राइमरी ब्रोंकाई। यस, प्राइमरी ब्रोंकाई से जाएगा ये सेकेंडरी ब्रोंकाई में। ठीक है, सेकेंडरी से ये चला जाएगा किसमें? टर्शरी ब्रोंकाई में। ठीक है, देख रहे हो ना, और वहां से इनिशियल ब्रोंकियोल्स में और फिर टर्मिनल ब्रोंकियोल्स में। बस टर्मिनल ब्रोंकियोल में आके कंडक्टिंग पार्ट का काम हो जाता है खत्म। फिर आपका रेस्पिरेटरी पार्ट शुरू होता है रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल्स में जाके शुरू, जहां पे आपके गैसेस के होंगे एक्सचेंज। ठीक है, और ये कहां जाके खुल जाएगा बच्चे? ये विल ओपन इनटू एल्विओलर डक्ट्स, एंड एल्विओलर डक्ट से एल्विओलर सैक, एल्विओलर सैक से एल्विओलाई। समझ में आ गया यहाँ तक? किसी को कोई डाउट है कि मैम नहीं समझ में आया तो बताओ फटाफट से, जल्दी जल्दी बताओ। सबको समझ में आ गया? ठीक है, तो यहाँ ये पार्ट जो है कंडक्टिंग पार्ट में गैसेस के एक्सचेंज नहीं होगा, यहाँ पे गैसेस के एक्सचेंज होंगे। ओके, चलें आगे। अब जो कंडक्टिंग पार्ट होता है, कंडक्टिंग पार्ट में मैंने आपको बताया कि इसके अंदर ना एक एपिथीलियम प्रेजेंट होता है। कौन सा एपिथीलियम? नहीं पता, मैंने तो तुम्हें बताया था, सिलिएटेड एपिथीलियम, याद है कुछ? नहीं, जहां पे आपकी अगर मिट्टी चल रही है तो हवा कहाँ जाएगी? आंखों में जाएगी, मुंह में जाएगी और नाक में भी तो जाएगी, है ना। माउथ तो आप क्लीन कर सकते हो, आंखें आप रब करके कर लोगे, बट नाक कैसे करोगे? आवाज आ रही है बच्चों? बच्चों, जो आपका सिलिएटेड एपिथीलियम होता है वो आपके जो डस्ट पार्टिकल्स आ रही है उन डस्ट पार्टिकल्स को रोक देने का काम करती है। प्रिवेंट्स The dust particles. Who? Ciliated epithelium. Got it? ठीक है, और जितना भी एयर में मॉइस्ट होता है, जितने भी डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, तो ये सब का सब कौन करेगा? सीलिएटेड एपिथीलियम करेगा। ठीक है,
चलो बना लिख लिया तुम लोगों ने? नो मैम. क्यों लिखते क्यों नहीं, जल्दी जल्दी लिखा करो. एनाटॉमिक डेड स्पेस जो होता है, वहां डेड स्पेस होने के वजह से बच्चे यहाँ पे गैसेस का एक्सचेंज नहीं होता. ठीक है, कौन सी स्पेस प्रेजेंट होती है? एनाटॉमिक डेड स्पेस. ठीक है, यहाँ पे कुछ स्पेशल, यहाँ पे और कोई ऑर्गन थोड़ी है, सिर्फ नोज ही है. ठीक है, तो नोज के अंदर सिर्फ आपका म्यूकस ग्लैंड है और आपका सीलिया है, इसीलिए सीलिएटेड एपिथीलियम प्रेजेंट है. और इसके अलावा यहाँ पे और कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि उसके ऊपर ऑल्फैक्टरी एपिथीलियम प्रेजेंट है, जो कि आपका स्मेल में हेल्प करता है. ठीक है? यस मैम. समझ आ गया? Yeah. तो चलो एल्वियोलाई को पढ़ लेते हैं जरा, कि एल्वियोलाई क्या होता है ना. अब एल्वियोलाई को देखो, एल्वियोलाई एकदम ऐसा ही दिखता है. कैसा दिखता है? अरे कैसा दिख रहा है मैम, कुछ दिखा रहे हैं? दिख नहीं रहे तुम्हें? वीडियो नहीं दिख रही? यस मैम. ग्रेप्स जैसा दिखते हैं, और कैसा ही दिखेगा बेचारा. ठीक है, तो एल्वियोलाई जो है बच्चे कुछ ऐसा ही दिखता है. तो जरा इसको कर लेते हैं, समझ लेते हैं. इसको ऐसे नहीं, ऐसे बताऊं मैं. ठीक है, ये देखो, ये आपका क्या है? एल्वियोलाई ग्रेप जैसा है या नहीं? इसके ऊपर, इस एल्वियोलाई के अंदर, आई मीन इसी सरफेस के ऊपर, ठीक है, एक एपिथीलियम प्रेजेंट है. क्या प्रेजेंट है? एपिथीलियम. इसको हम बोल देंगे बच्चे सिंपल स्क्वैमस, स्क्वैमस एपिथीलियम. एपिथीलियम, ठीक है, सिंपल स्क्वैमस एपिथीलियम बोल देते हैं इसको. अब इसके ऊपर ही, यानी सिंपल स्क्वैमस एपिथीलियम के ऊपर आपको, अच्छा ये इसका दूसरा नाम टाइप वन भी बोल देते हैं हम इसको, टाइप वन एल्वियोलर सेल्स भी कह देते हैं. ठीक है, अब टाइप टू देख लेते हैं. टाइप टू एल्वियोलर सेल्स किसके ऊपर प्रेजेंट हो गए? इसी के ऊपर, ऐसे. ठीक है, दिख रहा है तुम लोगों को? आपका हो गया बच्चे टाइप टू एल्वियोलर सेल्स. अब एल्वियोलाई की बात हो रही है, तो एल्वियोलाई एल्वियोलर ही प्रेजेंट होगा ना, या कुछ और होगा? बताओ बताओ. अरे एल्वियोलाई के बारे में बात कर रहे हैं ना. एल्वियोलर सेल्स ही प्रेजेंट होंगे ना. ठीक है, इसी के ऊपर बच्चे, इसी के ऊपर, यानी आपका जो स्क्वैमस एपिथीलियम है, इसके आसपास आपको और क्या दिखाई देगा? आपको डस्ट सेल्स भी दिखाई देंगे, क्योंकि ये रेस्पिरेटरी के बारे में बात हो रही है, इसीलिए आप इसे बोलोगे कि डस्ट सेल्स आर आल्सो प्रेजेंट इन एल्वियोलाई. ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गए सबको? यहाँ तक कोई डाउट है? नो मैम. अभी बच्चे देखो, अभी मैंने बताया, देखो कैसा दिखता है आपका एल्वियोलाई. ये कुछ 300 मिलियन है एल्वियोलाई जो आपकी बॉडी में है, वो 300 मिलियन है. ठीक है, और ये सबसे ज्यादा इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है कि ये गैसियस एक्सचेंज करे. क्या करे? गैसियस एक्सचेंज. क्योंकि ये आते ही रेस्पिरेटरी पार्ट में है. ठीक है, नोज वाला पार्ट आपके कौन से में आता है? रेस्पिरेटरी पार्ट. हाँ ठीक है, नोज वाला पार्ट आपके रेस्पिरेटरी में नहीं, कंडक्टिंग पार्ट में आता है. ठीक है, कंडक्टिंग पार्ट में आता है, और कंडक्टिंग पार्ट में गैसेस के एक्सचेंज नहीं होते. ठीक है, तो याद रखना कि एल्वियोलाई आएगा रेस्पिरेटरी में, इसीलिए यहाँ पे गैसेस की एक्सचेंजेस हो रही हैं. और अगर हम नोज के बारे में बात करें, तो वो आता है बच्चे कंडक्टिंग पार्ट में, वहां पे गैसेस के एक्सचेंज नहीं होते. ओके. अब इसके अंदर जो सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम है, इसको मैंने आपको बताया कि इसको हम टाइप वन एल्वियोलर सेल्स भी बोल देते हैं. अब जो आपका टाइप टू एल्वियोलर सेल्स है बच्चे, ये क्या करता है? इसके पास ना एक फॉस्फोलिपिड प्रेजेंट है. फॉस्फोलिपिड, ठीक है, उस फॉस्फोलिपिड का नाम होता है लेक्टिन. क्या प्रेजेंट होता है? लेक्टिन. अब ये करता क्या है? ये एक सरफेक्टेंट की तरह काम करता है. क्या काम करता है? ये जो सरफेस टेंशन होगा, उस टेंशन को कम कर देगा. क्यों? ताकि जो आपके बॉडी के अंदर एल्वियोलाई होंगे, फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको देखूं, है ना, अगर मुझे इसे डिस्ट्रॉय करना है, अगर मुझे इस ग्रेप को इसके ब्रांचेस से
डिस्ट्रॉय करना है, इसको खत्म करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? अलग। यस, मुझे उनको अलग करना पड़ेगा, पड़ेगा सेपरेट करना पड़ेगा, है ना। तो यही अगर ये ना हो, इसके अंदर एक फ्रिक्शन प्रेजेंट होगा। अब जैसे ही मैं इसको निकालूंगी ना, तो इसमें से एक जूस सा निकलेगा, जो जूस यहाँ पे भी प्रेजेंट होगा और कुछ थोड़ा सा ड्रॉप इसके यहाँ पे भी प्रेजेंट होगा, इधर इस वाले पार्ट में जहां से वो अटैच हुआ, ठीक है। तो ये ना सरफेस टेंशन को क्या है, रिड्यूस करने का काम करता है, कौन? लेक्टिन। समझ में आया? जब भी मैं ग्रेप्स दिखाऊं समझ जाओगी मैम एल्वोलाई के बारे में बात करें, क्योंकि एल्वोलाई दिखता ही ग्रेप्स है, और लकीली आज ग्रेप्स था घर इसलिए बच गए, ठीक है। समझ में आ गया? जो डस्ट सेल्स है, मैंने आपको थर्ड वाला बताया था, जो हमारे डस्ट सेल्स थे बच्चे, वो जो ऐसे ऐसे हमें दिखाई दे रहे थे, है ना, वो क्या करते हैं, ये जो डस्ट सेल्स हैं ये करते हैं फैगोसाइटोसिस। मैक्रोफेजेस ऑब्वियसली क्या करते हैं, फैगोसाइटोसिस का काम करते हैं। तो डस्ट सेल का काम क्या हुआ, डस्ट सेल का काम हुआ कि वो फैगोसाइटोसिस करेगा, ठीक है। अब गैसियस एक्सचेंजेस यहाँ एल्वोलाई में होता कैसे है, ये बहुत ही ज्यादा हाईली वैस्कुलर आपका क्या है, हाईली वेस्कुलर होता है, कहाँ पे, आपके ब्लड सप्लाई करने में। कौन कौन है बच्चों तुम्हें? तुम्हें आवाज आ रही है और तुम, मैं समझ में आ रहा है क्या बता रहे मैम? यस मैम। देखो अब ध्यान से यहाँ पे, ठीक है। अब देखो जैसे कि अपना ब्लड वेसल है, दिख रहा है सबको? ठीक है। अब ये जो ब्लड वेसल है, ये ब्लड वेसल क्या करेगा, ये ब्लड वेसल, एक सेकंड, ये ब्लड वेसल के अंदर ब्लड होगा या नहीं होगा? होगा मैम, है ना। तो ये जो ब्लड वेसल है, ये आपके एल्वोलाई के पास प्रेजेंट है। अब ब्लड वेसल से एल्वोलाई में एयर जाएगी या नहीं जाएगी? जाएगी या नहीं जाएगी? हाँ हाँ या ना, तो बोलो। यस मैम, जाएगी बच्चे, जाएगी। अब इसने क्या किया, ब्लड वेसल से एल्वोलाई को ऑक्सीजन दे दी, है ना, ऑक्सीजन दे दी, तो इसके पास भी तो कुछ जाएगा, CO2 जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन का होता कैसे है, तुम्हें ऐसा तो नहीं दिखता कि जब तुम कार्बन डाइऑक्साइड निकालो साथ में खून भी आ जाता है तुम्हारे, ऐसा तो नहीं है? No, एल्वोलाई में आके एक्सचेंज होता है बच्चे गैसेस का। तो ब्लड वेसल क्या करेगा, जो डिऑक्सीनेटेड ब्लड होगा, जो डिऑक्सीनेटेड एयर होगा, वो किसको दे देगा, लंग्स को दे देगा। समझ में आई? ब्लड वेसल के अंदर जो ऑक्सीजन आई है, तो वे समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? पका? ये देखो यहाँ पे, देखो जरा ये वाले पोर्शन को देखो, ये ब्लड वेसल है, ये ल्यूमेन है, ठीक है। इसके अंदर अंदर को एल्वोलाई से ब्लड वेसल को ऑक्सीजन मिलेगा, और ब्लड वेसल से एल्वोलाई को कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा। इसलिए हम बोलते हैं ना डीऑक्सीजनेटेड एंड ऑक्सीजनेटेड ब्लड, बोलते नहीं बोलते सर्कुलेटरी वाले में करेंगे, अभी नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये समझ में आ गया सबको, पक्का? कोई डाउट है? चले आगे। अब जो हमारा रेस्पिरेशन है, इतनी देर से हम रेस्पिरेशन ही तो कर रहे हैं, तो रेस्पिरेशन के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो हम इनको एक एक करके करेंगे। तो फर्स्ट बोल रहा है कि ब्रीदिंग या पल्मोनरी वेंटिलेशन, पल्मोनरी रेस्पिरेशन किसमें होती है, बताओ बताओ जाओ जल्दी। वेरी गुड, लंग्स में होती है, ठीक है। सो ब्रीदिंग या फिर जो आपका पल्मोनरी वेंटिलेशन होगा, वो क्या होगा, वो एटमोस्फेरिक एयर से होगा, विच इज ड्रॉन इन, एंड आपका जो CO2 है वो रिलीज आउट हो जाएगा, ड्रॉन इन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इज ड्रॉन इन, ओके फाइन। एंड सेकेंड पॉइंट इज डिफ्यूजन ऑफ गैसेज, यानी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का डिफ्यूजन कैसे हो रहा है एल्वियोलर मेम्ब्रेन में, ये भी देख लेते हैं।
थर्ड पॉइंट ये बोल रहा है कि जितने भी हमारा ब्लड होगा ना, हमारा ब्लड में गैसेस का एक्सचेंज होता है या नहीं होता? यस मैम, होता है ना। अभी पीछे ही तो बताया एल्वोलाई कहाँ पे है, लंग्स में है, तो लंग्स में क्या होता है, गैसेस का एक्सचेंज होता है। तो एल्वोलाई से ब्लड में आपका गैसेस का एक्सचेंज होता है, ट्रांसपोर्ट होता है या नहीं होता? नॉट एक्सचेंज, ट्रांसपोर्ट होता है। तो आपका लंग से ब्लड वेसल में भी जाता है गैस, एंड ब्लड वेसल से एल्वोलाई में भी जाता है आपका गैस, ठीक है। तो उसको हम बोल देते हैं ट्रांसपोर्टेशन। वहां पे एक्सचेंज नहीं होगा, एक्सचेंज आपका सिर्फ लंग्स में होगा, ठीक है। ये पार्ट, ये पॉइंट समझ में आया। नेक्स्ट, डिफ्यूजन ऑफ O2 एंड CO2 बिटवीन ब्लड एंड टिश्यूज। तो ब्लड एंड टिश्यूज के बीच में O2 और CO2 का डिफ्यूजन कैसे होगा? तो ये सब कुछ रेस्पिरेशन के थ्रू होने वाला है। लास्ट पॉइंट इज कि आप जो है O2 का यूटिलाइजेशन कैसे करोगे बाय द सेल फॉर कैटाबॉलिक रिएक्शंस, और इसका रिजल्टेंट फॉर रिजल्टेंट रिलीज फॉर CO2 कैसे करो। समझ में आ गया? ठीक है, चलो लेट्स चलें आगे। किसी को कोई डाउट नहीं है ना पक्का? नो मैम। ओके ठीक है। तो नेक्स्ट बच्चे बोल रहा है कि ब्रीदिंग, ब्रीदिंग हमारे दो स्टेजेस में, तो आपको मैंने फर्स्ट डे बता दिया था, ब्रीदिंग हमारी एक होती है इनटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, यस और नो? यस मैम। ये देखो एक मनुष्य दिख रहा है हमको यहाँ पे या नहीं? यस मैम। तो किसका नाम दे इसको, बताओ जल्दी, कोई नाम बताओ जल्दी बोलो, कोई भी अपना नाम। हाँ मैम आपका ही दे दो। मेरा ही दे दो, हाँ चलो सीता जी ले लेते हैं, ठीक है। तो सीता जी को चाहिए अब क्या, फ्रेश एयर। अब लेने थोड़ी जाएंगे वो हवा को, हवा तो उसी के पास आएंगी, है ना। तो जैसे ही सीता जी क्या करेंगी, इनटेक ऑफ ऑक्सीजन लेंगी, उसको हम बोल देंगे इंस्पायरेशन। फ्रेश ऑक्सीजन वो ले रही है उसको बोल देंगे इंस्पायरेशन। एक्सपायरेशन क्या हो गया, जो जब उन्होंने उन्होंने किसने, सीता जी ने जब कार्बन डाइऑक्साइड का रिमूव किया, रिमूवल किया अपनी बॉडी से, वो खुद ही हो जाती है, जरूरी नहीं है वो धक्के मार मार के ऑक्सीजन को, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल रही है, ऑक्सीजन को इनटेक कर रही है। नो, अपने आप हो रही है ब्रीदिंग। अभी तुम बैठे हो, सुन रहे हो, अभी भी तुम ब्रीथ कर रहे हो, मैं बोल रही हूँ अभी भी मैं ब्रीथ कर रही हूँ, ऐसा तो नहीं है ना मेरी सांसें रुक जाती हैं जब मैं बोलती हूँ, ऐसा तो नहीं है? नो मैम। नो मैम। तो वही होता है। यस, सो वी हैव इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन, दे आर द टू स्टेजेस ऑफ ब्रीदिंग। ओके, अंडरस्टूड टिल हियर? यस मैम। नो मैम। चलो आ जाओ यहाँ पे। अब मूवमेंट ऑफ एयर का अंदर जाना और बाहर जाना लंग्स के थ्रू कैसे होता है? यार एक प्रेशर ग्रेडियंट प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है? प्रेशर ग्रेडियंट के बीच में, पहली बात तो लंग्स के बीच में, और दूसरा कौन आ जाए, एटमॉस्फेयर के बीच में, ठीक है। अब इसको जरा ऐसे नहीं समझाएंगे, तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, पढ़ा है तुमने अपने फिजिक्स में? यस मैम। हाँ, कोई को कह रहा था मैम? चार्ल्स लॉ। यस, गुड गुड, वेरी गुड। एक्सपायरेशन एंड इंस्पायरेशन, ठीक है। तो इंस्पायरेशन जो होगा बच्चे, अब इंस्पायरेशन यानी इनटेक ऑफ ऑक्सीजन, वेरी गुड। एक्सपायरेशन यानी वेरी गुड, वेरी नाइस, ठीक है। तो ये रहा हमारा फॉर्मूला जहाँ पे प्रेशर और वॉल्यूम बहुत बड़ा गेम खेलने वाले हैं। तो चलो देख लेते हैं इनका गेम, कैसा गेम खेलते हैं ये लोग, ठीक है। तो इस गेम को खेलने के लिए इंस्पायरेशन क्या अपना टेक्निक यूज करता है? इंस्पायरेशन बोलता है, भैया अगर ये बॉडी है, क्या है ये बॉडी, इस बॉडी के बाहर अगर प्रेशर ज्यादा हुआ, अगर बॉडी यानी मेरी ये बॉडी है ना, आपके पास अपनी बॉडी है ना, बॉडी के बाहर प्रेशर ज्यादा हुआ तो आपके बॉडी के अंदर प्रेशर होगा कम और वॉल्यूम होगी ज्यादा। समझ में आया तक?
यस मैम। यहाँ तो किसी को कोई डाउट है? नो मैम। नो मैम। एक्सपायरेशन। हाँ जी लवा सुन लो। हाँ सुनी बच्चों म्यूट कर लो अगर तुम अपने घर पे गप्पे मार रहे हो तो। ठीक है मुझसे गप्पे मारनी है तो म्यूट कर अनम्यूट कर लेना। चलो एक्सपायरेशन में आ जाते हैं। चलो भैया दूसरी बॉडी आ गई तो पहले सीता जी गए अब राम जी को ले लेते हैं। ठीक है तो राम जी ने भी तो हवा लेनी है वो बिना हवा के थोड़ी जिएंगे। तो बच्चे प्रेशर बाहर अगर कम हुआ है ना तो प्रेशर अंदर क्या होगा ज्यादा ज्यादा और वॉल्यूम क्या हो जाएगा कम कम। क्या बात है यार तुम तो पटाखों निकले। तो ये हो गया आपका एक्सपायरेशन। इतना समझ में आया? यस मैम। दोबारा बता दूं? नो मैम। ठीक है बता देती हूँ। एक ने नो बोला एक ने यस बोला। चलो मैम को उसकी माननी पड़ेगी ना जिसको नहीं समझ में आया। तो ये एक बॉडी है हेलेन मैम की बॉडी। ठीक है अब मेरे बाहर बॉडी के बाहर प्रेशर बच्चे ज्यादा है और तब क्या होगा मेरे बॉडी के अंदर प्रेशर कम होगा और वॉल्यूम ज्यादा होगा उसको इंस्पायरेशन कह देंगे। यानी कि मैंने लिया एयर अंदर तो प्रेशर हुआ कम बाहर की प्रेशर थी ज्यादा प्रेशर ले ली अंदर प्रेशर हुआ कम वॉल्यूम हुआ ज्यादा इसको इंस्पायरेशन कह देंगे। लेकिन अगर मेरी ही बॉडी के बाहर प्रेशर कम है तो मेरे बॉडी में बाहर प्रेशर कम बॉडी में प्रेशर ज्यादा और वॉल्यूम हो जाएगा कम। समझ आ गया? ठीक है पक्का? ओके। अब हमेशा क्या होता है ना जो एयर होती है एयर हाई प्रेशर से लो प्रेशर में जाती है। एयर जो होती है वो हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर में ही जाएगी। ठीक है याद रखना है। अच्छा मैं कोई बात बताऊं कि अब जैसे जैसे पानी होता है पानी को अगर हम जैसे आपने डैम देखा डैम डैम या आपके हिमाचल में कोई डैम मुझे खास नहीं पता बट फिर भी हाँ हाँ वहां पे प्रसार लेक के पास एक डैम है ना है ना वहां पे एक डैम है। तो ऐसे अगर उस डैम को अगर हमने बंद रखा है तो पानी धीरे धीरे जाएगा। लेकिन उसी टाइम अगर मैं पानी को खोल दूं सॉरी डैम को ओपन कर दूं डैम के गेट्स खोल दूं है ना तो पानी क्या होगा धड़ाम से सारा नीचे गिरेगा। गिरेगा या नहीं गिरेगा? यस मैम। प्रेशर के साथ आएगा है ना पूरी फ्लो के साथ वो आएगा और वो उस जगह जाएगा जहाँ पे पानी नहीं होगा। सही है या नहीं है? ऐसे ही होता है ना? यस मैम। अब समझ में आ गए। एयर भी ऐसी होता है बेटा जहाँ पे उसको दिखता है कि हाँ भैया मैं तो बहुत ज्यादा हाई हूँ तो वो लो की तरफ भागने लग जाता है वो हाई टू लो हो जाएगा। समझ आ गया? यहाँ तो कोई डाउट है किसी को? नो मैम। अब ये प्रेशर जो है आप देख रहे हो इतने टाइम से ये जो प्रेशर प्रेशर करी जा रही है मैम है ना कर रही है नहीं कर रही है? तो ये रहे हमारे दो प्यारे प्यारे लंग्स। इसके ऊपर मैंने एक तुम्हें एक चीज बताई थी कुछ होता है इसके ऊपर कवरिंग के लिए कौन होती है वो? प्लूरा। वेरी वेरी गुड शाबाश पढ़ने लग गए हो तुम क्योंकि मैम पेपर आ गया है ना नहीं पेपर आए इसलिए पढ़ रहे हो ऐसे पढ़ रहे हो पेपर भी है मैम साथ में इंटरेस्टिंग है इसलिए। ठीक है तो बच्चे ये रहा आपका डायफ्राम। ठीक है इस डायफ्राम के ऊपर कौन सी कैविटी थी जल्दी बताओ? ट्रेकियल कैविटी थोरैसिक। हाँ थोरैसिक कैविटी क्योंकि थोरैक्स प्रेजेंट है। ठीक है तो थोरैसिक कैविटी में आपके दो और कैविटी प्रेजेंट होंगे कौन कौन से? एक तो प्लूरा के अंदर ही एक कैविटी थी कौन थी वो? प्लूरल कैविटी। शाबाश प्लूरल कैविटी। कौन बोल रहा है यार ये तालियां बजवानी मुझे आपको बताओ कौन है नाम बताओ? रितिका। गुड जॉब तालियां बजाओ उसके लिए चैट पे चलो जल्दी। ठीक है शाबाश बहुत बढ़िया बच्चे। तो लंग्स को जो कवर करता है वो होता है प्लूरा जो कि डबल मेम्ब्रेन होता है। अभी तो मैम ने सिंपल एक सिंगल मेम्ब्रेन बनाई है क्योंकि हम प्लूरा कर चुके हैं। ठीक है तो मैम आपको अभी ये बता रहे प्रेशर वाला। तो लंग्स के ऊपर ये है लंग वन लंग टू। ठीक है आपके पास लंग दो ही है ज्यादा नहीं है।
ठीक है, उसके वो प्लूरा था अपना डबल मेम्ब्रेन, उसके अंदर एक कैविटी थी प्लूरल कैविटी, ठीक है, तो यही है वो प्लूरल कैविटी बच्चे। अब इसके अंदर यानी कि ये जो लंग्स है ना बच्चे, यहाँ पर भी एक प्रेजेंट होगी कैविटी, वो होगी आपकी पल्मोनरी कैविटी। कौन सी कैविटी? पल्मोनरी। ठीक है, अब मैंने पीछे भी क्या समझाया आपको कि अगर आपका प्रेशर हुआ ज्यादा, ठीक है, प्रेशर अगर बॉडी के बाहर हुआ ज्यादा, बॉडी के अंदर होगा कम और वॉल्यूम होगा ज्यादा। सेम वे अगर इन तीनों की वॉल्यूम बढ़ जाए ना, थोरैसिक कैविटी अगर इनमें वॉल्यूम बढ़ जाए तो प्रेशर कम हो जाएगा और बॉडी के बाहर प्रेशर क्या ज्यादा। यस, अगर यहाँ पे अगर तीनों का साथ में ही वॉल्यूम ज्यादा हो जाएगा तो प्रेशर क्या हो जाएगा? अगर वॉल्यूम हो जाएगा कम तो प्रेशर क्या हो जाएगा बॉडी के अंदर? ज्यादा। वेरी गुड। और बाहर कम। ठीक है, अब समझ में आया कि क्या बोल रहे थे मैम? ये आपका इंस्पायरेशन हो गया और ये आपका एक्सपायरेशन हो गया। ठीक है, समझ में आ गया? सो इज योर प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू योर वॉल्यूम। सो एयर इज गोइंग फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। अंडरस्टूड टिल हियर और नॉट? यस मैम। सबको समझ में आ गया ये वाला पार्ट बच्चों? यस मैम। ओके, अब इसको जरा खुल के पढ़ लेते हैं कि हमारे ये तो हमने पढ़ लिया कि एयर कैसे काम करता है, अब हमें ये भी तो पढ़ने कि इंस्पायर होता कैसे है ना। तो मैंने आपको कुछ बताए थे, याद है तुम्हें? स्टर्नम, रिब्स, थोरैसिक वर्टिब्रे, याद आया कुछ? थोरैसिक वर्टिब्रे कहाँ पे है? डॉर्सल। हाँ, वेरी गुड। और आपका स्टर्नम? वेंट्रल। क्या बात है। और रिब्स? अरे हाँ, तुमसे तो मैं हमने गेम खेली थी ना उस दिन। ओके ओके, ठीक है, तो समझ में आया ना वो वाला पार्ट? उसी को अब हम पढ़ने जा रहे हैं, एक सेकंड, उसी को अब हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो पहले मैं पिक्चर दिखा दूं एक बार। पहले ये देखो, ये आपका थोरैसिक वर्टिब्रे है, ये आपका स्टर्नम है, इन दोनों के बीच में जो ऐसे लाइनिंग है ना, हैंगर, कपड़े टांगते हो ना तुम या नहीं टांगते? तो ये देखो, अब ध्यान से देखना, यहाँ पे बना देती हूँ मैम। ये हमारा थोरैसिक वर्टिब्रे, ठीक है, ये है हमारा कौन, जल्दी बताओ? स्टर्नम। वेरी गुड, शाबाश। ठीक है, अब ये दो पोल से जुड़ के तारों में बट रही है कौन, हमारी कौन हुआ ये बताओ जल्दी? रिब्स। यस, रिब्स। ठीक है, तो ये है हमारी रिब्स, ये रेड वाली हमारी स्टर्नम जो आपके वेंट्रल पे है, थोरैसिक वर्टिब्रे जो डॉर्सल पे है। ठीक है, समझ आ रहा है? अब इसके अंदर भी तो कुछ ना कुछ प्रेजेंट होगा, ये वाला पार्ट समझ में आ गया सबको? यहाँ तो कोई डाउट है? No, ma'am. और आपका डायफ्राम भी ऐसी प्रेजेंट होगा, ठीक है, ये आपका हो गया डायफ्राम। ठीक है, कोई डाउट है? अब इसके अंदर आपका इसके अंदर क्या प्रेजेंट होगा? एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, दो टाइप के मसल प्रेजेंट होंगे, एक होगा एक्सटर्नल, एक होगा इंटरनल। तो चलो देख लेते हैं, एक्सटर्नल कैसे प्रेजेंट होगा? ऐसे बाहर की तरफ, एक्सटर्नल यानी बाहर। ठीक है, समझ में आ गया? इंटरनल कैसे प्रेजेंट होगा? इनवर्ड, अंदर की तरफ, ऐसे।
तो ये जो पार्ट आपको दिख रहा है ऊपर, जो ऐसे बाहर को निकला हुआ है बच्चे, उसको हम क्या बोल देते हैं, उसको हम बोल देते हैं एक्स्ट्रा इंटर, क्या था बताओ? कोस्टल मसल. वेरी गुड, इंटर कोस्टल मसल. और ये जो इनवर्ड अंदर को जा रही है, इसको हम क्या बोल देंगे? इंटरनल इंटर कोस्टल मसल. याद रहेगा या नहीं? मैम. यस मैम. अब एक मसल जो है बच्चे, अब तुम्हें याद है ना मैंने बताया था कि डायफ्राम क्या है, ये एक डोम. क्या डोम शेप तो है लेकिन वो मसल है, मसल है इसीलिए तो वो ऊपर नीचे जा रहा है, रिलैक्स करता है, कभी कॉन्ट्रैक्ट करता है. याद आया कुछ? मैंने पहला पॉइंट लिखवा है वो कि मसल है, फिर वो ब्रीदिंग में हेल्प करता है, बताया था मैंने डोम शेप है, राइट? तो पहली पॉइंट बस मसल प्रेजेंट होता है, लेकिन कौन सा मसल, कौन सा मसल, किसी को पता है? नहीं. फ्रेनिक मसल. कौन सा मसल? फ्रेनिक मसल. यस, फ्रेनिक मसल प्रेजेंट होता है. तो चलो आओ देखें ये लोग काम कैसे करते हैं. ठीक है, तो याद रखना जो आपका थोरैसिक, एक आपका स्टर्नम, इन दोनों पोल्स के बीच में एक रिब जैसी लाइनिंग जा रही है, हैंगर जैसी, उस पूरे इसको बोल देते हैं हम रिब केज की फॉर्मेशन. वहीं पर आपको मसल्स मिलेंगे, जो बाहर की तरफ निकला होगा उसको हम बोल देंगे एक्स्ट्रा इंटरकोस्टल मसल, जो अंदर की तरफ होगा बच्चे उसको बोल देंगे इंटरनल इंटरकोस्टल मसल. समझ में आ रही है? डायफ्राम है जो बिल्कुल लंग्स के नीचे प्रेजेंट है, उसको हम क्या बोल देंगे? उसको हम बोल देंगे फ्रेनिक मसल. ठीक है? मैम. अब हम ये देखेंगे कि इनमें से कौन सा मसल इंस्पायरेशन में हेल्प करता है और कौन सा मसल एक्सपायरेशन में हेल्प करता है. ठीक है, समझ में आ गया? चले आगे. मैम. तो ये इमेज है, ऐसे देख लेना, मतलब बना लेना. अब यहाँ पे ध्यान से सुनो, यहाँ पे अभी दो मिनट लिखेगा नहीं कोई, अगर लिखने बैठ जाओगे तो सच में समझ नहीं आएगा कुछ. ठीक है, तो ध्यान से देखो. इंस्पायरेशन अभी पीछे ही पढ़ा हमने, बॉडी के बाहर अगर प्रेशर ज्यादा होगा तो बॉडी के अंदर प्रेशर होगा कम, वॉल्यूम होगा ज्यादा. तो चलो देख लेते बच्चे, ये दो टाइप के होते हैं. इंस्पिरेशन आपका एक नॉर्मल होता है, एक आपका फोर्सफुल रेस्पिरेशन होता है. ठीक है, तो नॉर्मल रेस्पिरेशन, अभी आप बैठे हो, सिंपल पढ़ाई कर रहे हो, तो नॉर्मल आपके जो फर्निक मसल है, यानी ये कहाँ पे थी आपकी फर्निक मसल? डायफ्राम. डायफ्राम में थी. और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल भी थी ना वहां पे ऊपर. यस, तो यहाँ पे देखो ये इंस्पायरेशन में हेल्प करेगी और ये भी इंस्पायरेशन में हेल्प करेगी. ठीक है, समझ में आ गया? हैं बच्चे, ये किस में आपको दिखाई देंगे? ये आपको दिखाई देंगे नॉर्मल रेस्पिरेशन में. आपका डायफ्राम जो होता है वो ऐसे डोम शेप्ड होता है, लेकिन जब आप इंस्पायर करते हैं तब आपका जो ये आपका जो फ्रेनिक मसल होता है डायफ्राम के पास जाता है और ये इसको कर देगा फ्लैट. ठीक है, फिर ये हो जाएगा नॉर्मल, फिर ये कर देगा फ्लैट. तो जब भी आपका डायफ्राम हो जाता है फ्लैट, ये रहा फ्लैट, तो वो होगा क्यों? वो होता है फ्रेनिंग मसल के वजह से. समझ में आ गया? यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? ठीक है, तो चलो इसको देखो जरा, फ्रेनिक मसल कैसे करता है. अभी कॉन्ट्रैक्ट करने पे क्या करेगा डायफ्राम? देखो फ्लैटन, फ्लैटन यानी इट इज वर्किंग लाइक दिस. ऐसे था, ऐसे हो गया, फिर ऐसे हो गया, फिर ये फ्लैट हो गया. फ्लैटन मतलब फ्लैट हो जाना, फ्लैट सरफेस पता है ना तुम्हें, एकदम सीधी सरफेस. जब डायफ्राम सीधी हो जाती है तब होता क्या है? थोरैसिक कैविटी, क्योंकि हमारा जो डायफ्राम है वो, जो हमारा लंग्स है वो कहाँ पे है? थोरैसिक में. तो डायफ्राम में जो आपकी जो थोरैसिक कैविटी होती है, डायफ्राम में नहीं, जो डायफ्राम रहता है वहां पे जो थोरैसिक कैविटी है ना, उसकी जो वॉल्यूम होती है वो बढ़ जाती है. क्या करती है वो? कहाँ पे होती है? उसके एंटीरियर और पोस्टीरियर एक्सिस पे. इंटीरियर यानी अंदर की तरफ, ठीक है, तो ये ऐसे डोम शेप से फ्लैट हो जाती है.
अंडरस्टूड टिल हियर और नॉट? वॉल्यूम को थोरैसिक कैविटी में इंक्रीज कर देती है, प्रेशर हो जाता है कम और एयर निकल आती है बाहर, ठीक है? तो ये होता है आपका स्ट्रेनिक मसल जब कॉन्ट्रैक्ट करता है, जब वो रिलैक्स कर दे नॉर्मल पोजीशन में वापस वही डोम शेप बना लेती है ये। ओके मैम, समझ में आ गया सबको स्ट्रेनिक मसल कैसे काम करता है? चलो दूसरे में आ जाओ, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, ये भी नॉर्मल रेस्पिरेशन का पार्ट है, ये भी इंस्पायर करता है। चलो देखो कैसे करता है। इसने करा कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट करते ही ये जो रिप केज है ना बच्चे, ये हो जाएगी एलिवेट। एलिवेट कैसे होगी? ऊपर की तरफ। कैसे? ऊपर की तरफ तो होगी लेकिन बाहर को निकल जाएगी, अपवर्ड एंड आउटवर्ड, जिसकी वजह से वॉल्यूम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगी। और इसका जो एक्सिस है यानी डॉर्सो वेंट्रल, क्योंकि आगे की तरफ है ना, तो ये क्या करेगा, वॉल्यूम भी इसकी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। प्रेशर क्या होगा, बढ़ जाएगा और एयर भी बाहर निकल आएगा। समझ में आ गया? यस मैम। किसी को भी डाउट नहीं है? यस मैम। नो मैम। क्या बात है, तुम्हें सच में समझ आ रहा है? ठीक है, चलो तो ये थे दो पार्ट नॉर्मल रेस्पिरेशन के, ठीक है? आ जाए वापस यहाँ आ जाओ। अब ये बोल रहे फोर्सफुल रेस्पिरेशन, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैम ने यहाँ पे लिख दिया योगा। अब योगा कर लो या आपने वार्म अप करी हो, वार्म अप करते हैं ना भागने से पहले, ऐसा तो नहीं है ना उठते ही चलो, आपके जो कोच होते हैं आप में से अगर कोई स्पोर्ट्स में है तो कोच बोलते हैं हाँ नहीं तो भागना शुरू कर दे, ऐसे बोल देते हैं क्या? No, नहीं ना, भागने से पहले वार्म अप कराते हैं, आपके बॉडी के अंदर हीट क्रिएट करते हैं, ठीक है, ताकि जो बंदा है वो एकदम से उसकी स्किन, उसका जो मसल है वो अकड़ ना जाए। स्प्रिंट सुना होगा, स्प्रिंट मारने के लिए आपके जो पैर पे मसल स्प्रेन ना करते है ना, मोच मोच आ जाना, सुना होगा मोच पड़ गई, मसल अकड़ गई, तो इसीलिए होता है कि अगर फोर्सफुल रेस्पिरेशन आप देख सकते हो जैसे योगा में है ना, मसल जैसे कि आपका स्टेरनोसिलोडोमास्टॉइड और स्कैलिन और पेक्टोरिस माइनर, ये तीनों की तीनों क्या करेंगे बच्चे, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। कब कॉन्ट्रैक्ट करेंगे? जब आपका रिबकेज क्या करेगा, एलिवेट करेगा। क्या करेगा ये रिबकेज आपका? एलिवेट करेगा। जब भागते हो तो आपकी पूरी बॉडी, जो अपर बॉडी होती है ना, पैर नहीं कांपते होते जितना आपकी पूरी बॉडी कांपती है, तो ये सारे के सारे मसल जो यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं ना, ये खिंच जाते हैं ऊपर को, करते हो देते हो ना एक्स्ट्रा ऑक्सीजन, वो एनारोबिकली या एरोबिकली? भूल गए तुम बुलक्कड़ बच्चों, वही तुम्हें याद ही नहीं है एनारोबिक। एरोबिक तो होता है जिसमें ऑक्सीजन पहले से प्रेजेंट होता है, एनारोबिक यानी कि एनारोबिकली तुम उसे रिस्पायर करते हो, जो मैंने बताया नहीं था, ट्रैकिंग करते हो या रनिंग करते हो, पहाड़ों में जाते हो, डहलान आता है, भूल गए तुम, परसों ही दो दिन पहले ही पढ़ाया मैंने, वेरी बैड, ठीक है? तो रिपकेज जो है वो क्या करेगा, एलिवेट। तो तुम्हें समझ सच में आ रहा है, समझ में ये सब? तुम भूल जाओगे अगली क्लास में जब मैं पूछूंगी तो फिर। हेलो बच्चों, मैम आ रहा है, नहीं भूलेंगे। yes, ओके ठीक है, तो जरा रुको और मेरे को ये बताओ कि किस किस को समझ में आ रहा है। बाकी बच्चे क्या कर रहे हैं, नाच रहे हो तुम 47 के 7? नो मैम, बस एक मीनाक्षी ही सुन रही है मुझे लगता है, बाकी सब 34 मैम। तालियां तो काफी ने बजा दी है, क्या बात। लास्ट टॉपिक समझ नहीं आया, कौन सा वाला बच्चे, कौन सा वाला लास्ट टॉपिक नहीं समझ आया बताओ? आ रहा है समझ, ठीक है। दीक्षा बच्चों बताओ जल्दी जल्दी, कौन से टॉपिक में समझ आया आपको?
चैट पे लिख दो, ठीक है। तो ये रहा आपका फ्रेनिक मसल, ये रहा एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, जो दोनों के दोनों मसल हैं, ये नॉर्मल रेस्पिरेशन में आ गए, ठीक है। फोर्सफुल रेस्पिरेशन यानी आपका योगा हो गया। योगा में क्या होगा, आपकी बॉडी या आप रनिंग करते हो कुछ भी, तो आपकी जो अपर बॉडी होती है उसके अंदर जो मसल्स प्रेजेंट होते हैं बच्चे, वो खिंचते, ऐसी फीलिंग आती है कि कुछ खिंच रहा है, लगता है नहीं लगता? अगर तुम्हें नहीं लगता ना तो सुबह उठ के भागना जरा, है ना, या योगा करना अगर तुम्हें योगा आता है, जरा भाग के देखें, थोड़ी देर में तुम्हारी हालत खराब हो जाती है, तुम पेट पकड़ के ऐसे खड़ा रहते हो, चढ़ते हो नहीं, आया ना? ठीक है, इसीलिए ही होता है। तो वो कौन से मसल्स होते हैं, यही तीन मसल्स प्रेजेंट होते हैं, और ये कहाँ पे होते हैं, रिबकेज के वहां पे प्रेजेंट होते हैं। ये जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो आपका रिबकेज उसी अकॉर्डिंग ही रिएक्ट करता है, ये होता है आपका इंस्पायरेशन। समझ में आ गया? अब आ जाओ जरा एक्सपायरेशन में। एक्सपायरेशन क्या हो गया यार, एक्सपायरेशन भी दो टाइप के हैं, एक नॉर्मल एक फोर्सफुल एक्सपायरेशन। लेकिन फर्क क्या है, जितने भी मसल्स हैं आपके, उसमें क्या होगा, उसमें आप जब आपका मसल करेगा रिलैक्स, जो सब कुछ नॉर्मल पोजीशन में आ जाए, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपका वॉल्यूम होगा कम। जब वॉल्यूम कम होगा बॉडी के अंदर प्रेशर क्या होगा, प्रेशर होगा ज्यादा, शाबाश, ज्यादा। और बॉडी के बाहर प्रेशर क्या होगा, कम। ये एक्सपायरेशन का यही एक फॉर्मूला है। तो जैसे ही वॉल्यूम कम हो जाती है, प्रेशर बढ़ जाती है, एयर बाहर आ जाता है, ये हो गया आपका नॉर्मल एक्सपायरेशन। फोर्सफुल एक्सपायरेशन में क्या होगा, दो टाइप की मसल प्रेजेंट होती हैं। एक होती है आपकी इंटरनल इंटरकोसल मसल, अभी मैंने पीछे ही बताया था, है ना, एक्सटर्नल के एकदम नीचे प्रेजेंट होती है। ये रही इंटरनल इंटरकोसल मसल, ये आपकी एक्सहेलेशन में हेल्प करती है। किसमें हेल्प करती है ये, एक्सहेलेशन। हाँ, वेरी गुड, समझ में आ गया, एक्सपायरेशन में। तो ये क्या करेगी, ये वाली मसल करेगी कॉन्ट्रैक्ट। जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट करेगी, ये रिब केज की तरफ, अंदर की तरफ जाएगी, अंदर से किधर, नीचे की तरफ, ठीक है, समझ में आ गया। याद है ना, अभी तुम्हारे मसल पीछे ऊपर नहीं हो गए थे ना, वो तीन मसल लगा लो फॉर एग्जाम्पल, कि वो मसल जाएंगे धीरे धीरे नीचे अंदर की तरफ, जो कि आपका होगा इंटरनल इंटरकोसल मसल। जैसे ही ऐसा होने लग जाएगा, कैसा, रिबकेज की तरफ जब आपके मसल अंदर की तरफ मूव करेंगे नीचे की ओर बच्चे, वॉल्यूम हो जाएगी कम, प्रेशर हो जाएगा ज्यादा, एयर जाएगी बाहर, इसको हम बोल देते हैं इंटरनल इंटरकोसल मसल which is doing forceful expiration. दूसरा है आपका abdominal muscle. Abdominal muscle क्या करता है? Abdominal muscle भी contract करेगा. Contract करने के बाद वो विसरा को push करेगा, धक्का मार देगा, किसकी तरफ, diaphragm की तरफ, जो आपके lungs के वहां present है, एकदम नीचे। और diaphragm क्या करेगी, एकदम arch जैसी बन जाएगी, ऐसी arch बनाते ना, ऐसे वो इन क्या कहते हैं, धनुष वाला देखा है तुमने, वॉल्यूम को बच्चे कर देगा कम, प्रेशर कर देगा ज्यादा, और एयर को निकाल देगा बाहर, ओके। ये एक तरीका है पूरा आपको इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन याद करने का। तो अगर आपको समझ आ गया है दोनों पार्ट, तो ये हो गया है यहाँ पे खत्म। समझ में आ गया, ठीक है। यहाँ पे किसी की, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो बताओ फटाफट से। नहीं, वही तुम्हें सच में आ रहा है कि समझ गया, तुम सबके सब तो नो मैम करते रहते हो, फिर मैं कुछ पूछती हूँ तो तुम जवाब नहीं देते हो, स्कूल वाली फीलिंग नहीं लेनी है यहाँ पे, तुम डाउट पूछ सकते हो मुझसे, जल्दी बताओ। इंस्पायरेशन से पिछला कौन सा करवाया मैंने, थोरैसिक कैविटी, ये वाला, ओके। मैं बता देती हूँ, एक बार रेस्पिरेशन बता देती हूँ, फिर दीक्षा आप रुक जाना, ठीक है। रेस्पिरेशन में क्या होगा, रेस्पिरेशन में कुछ नहीं होता, एक एवरेज ह्यूमन बीइंग जो है, आप इसको देख रहे हो ना, ये बंदा नॉर्मल, ये सब मतलब हम सब ब्रीथ कर लेते हैं 12 to 16 टाइम्स, ठीक है। तो वॉल्यूम जो एयर की रहती है ब्रीथ करने में, उसके मूवमेंट तो होती होती है, तो उसका एक एस्टिमेट लगाने के लिए हम क्या यूज करते हैं, हम यूज करते हैं स्पायरोमीटर। कुछ स्पायरोमीटर आपको ऐसे दिखेंगे, कुछ आपको ऐसे ट्यूब जैसे से दिखेंगे,
है ना, उसमें से गोल गोल से पड़े होंगे, तो अलग अलग है तो सब एक ही मीटर ही, स्पायरोमीटर एक ही डिवाइस है सारे, बट तरीका अलग अलग है, जस्ट टू आइडेंटिफाई कि उसके पल्मोनरी फंक्शंस में कोई दिक्कत तो नहीं है. तो इसीलिए क्लिनिकल असेसमेंट्स के लिए पल्मोनरी फंक्शन को चेक करने के लिए स्पायरोमीटर यूज किया जाता है, जस्ट टू सी कि ब्रीदिंग मूवमेंट जो है एयर की वो क्या ठीक है या नहीं. समझ में आ गया, देख रहे हो ना इसके पाइप. यस मैम. ठीक है, पाइप कैसे इन्होंने माउथ के अंदर डाला है, सो दैट ही कुड आइडेंटिफाई हु द डॉक्टर कैन आइडेंटिफाई कि यार इसको कोई पल्मोनरी फंक्शनल प्रॉब्लम है या नहीं विद द हेल्प ऑफ पायरोमीटर. ओके मैम. यस मैम. अंडरस्टूड हियर? यस मैम. ठीक है, देती हूँ मैं इसका बच्चे, दीक्षा भी ध्यान से सुन लो यार. ये है आपका लंग्स, लंग्स के ऊपर आपके डबल मेम्ब्रेन प्लूरा प्रेजेंट होता है, प्लूरा के अंदर एक प्लूरल कैविटी प्रेजेंट होती है. अब लंग्स आपका प्रेजेंट कहाँ पे होता है, थोरैसिक कैविटी में, तो ये रही थोरैक्सिक कैविटी, ये रहा आपका प्लूरल कैविटी, प्लूरा के अंदर प्रेजेंट है, और लंग्स के वहां पर एक कैविटी प्रेजेंट है बच्चे, पल्मोनरी कैविटी. ये तीनों के तीनों कैविटी जो है वो क्या करेंगी, क्या करेंगी, अगर इसका वॉल्यूम, इन तीनों का वॉल्यूम ज्यादा हो जाएगा, प्रेशर हो जाएगा कम, क्योंकि ये सब बॉडी में प्रेजेंट है आपके, तो वॉल्यूम अगर ज्यादा हो जाएगा, प्रेशर हो जाएगा कम, और बॉडी के बाहर होगा प्रेशर ज्यादा. लेकिन अगर आपका वॉल्यूम, इन तीनों का वॉल्यूम आपके बॉडी के अंदर है कम, प्रेशर होगा ज्यादा, और बॉडी के बाहर इसका प्रेशर होगा कम. क्यों, ऐसा क्यों, क्योंकि हमने ये वाला लॉ जो पढ़ा है, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम. तो ये यूज होगा, अगर आपका ये वाला फॉर्मूला आ रहा है इसको हम इंस्पायरेशन कह देंगे, ये वाला फॉर्मूला आ रहा है तो इसको एक्सपायरेशन कह देंगे. ठीक है, सबको समझ में आ गया, किसी को कोई डाउट है यहाँ तक तो बताओ. नो मैम. नो मैम. ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन आस्क, अदरवाइज जा सकते हैं आप.